बेटा, वो भी ओला ड्रीम ड्राइवर, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आप सुबह दिन के बज गए तो ठीक है, गुड आफ्टरनून। एंड ऐसा है कि आज का सीन कुछ इसका है, मैं तो सुबह से उठी थी कि आज बहुत ज्यादा काम है, तो आवाज थोड़ी सी चेक उनका भल गया। बहुत ज्यादा काम है एक्चुअली। आज जाना है अब्दुल्ला के दोस्त फ्रेंड, उसके भाई की शादी है, वहाँ पे शाम को जाएंगे बारात पे। तो कमरा कुछ इस तरह से है, बाथरूम शाथरूम मैंने नहाने साथ ही धो लिया था, नहाई मैं सुबह सुबह इसलिए देखिए शाम को रात को जाना है तो तब तक बाल सूख जाएंगे और फिर कोई अच्छा सा हेयर स्टाइल वगैरह बन जाएगा। नहीं मैं बनेगा तो बाल खोलने हैं तो फ्रेश तो होने चाहिए, ठीक है। अब ये है कि ये देखिए कमरे की हालत, कमरा कुछ इस तरह से है, इसको क्लीन करते हैं, फिर झाड़ू टाटी करते हैं, सफाइयाँ करते हैं फटाफट, फिर अपने कपड़ों की तरफ आएंगे और तैयारियों की तरफ आएंगे, ठीक है। चलो लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, और भी प्यारा सा जैसे कहते हैं बेल आइकन को भी प्रेस कर दे और प्यारा सा कमेंट भी छोड़ना है, ठीक है। चलो ये चीज़ें उठाते हैं, ये देखो तकिया तौलिया बनी रखती है। आप भी उठ गए। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहे हो आप आहद? है क्या जल्दी से इसका ट्विंकल ट्विंकल करो, ट्विंकल 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 लिटिल स्टार डोंकी डोंकी। आई लव यू डोंकी, आई लव यू डोंकी। चलो ये शर्ट उतारो, नहा धो, मैं न धोऊंगी इसको, लेट मी वॉश इट। उठाओ इसे उठाओ। चलिए जी, कमरा तो मैंने रूम शूम तो सारा साफ कर दिया, ये देखो ठीक है। ये पानी की बोतल रह गई है, इसमें मैंने पानी भरना है अपना, क्योंकि आज मैंने पानी नहीं पिया सुबह से, तो अब कितनी पानी भर के पीऊंगी। और यहाँ पे मैं ले आई झाड़ू, अब लगाऊंगी झाड़ू और फिर उसके बाद लगाऊंगी टाट और फिर कमरा नीट एंड क्लीन हो जाएगा, फिर उसके बाद अपनी शादी पे जाने की तैयारियां करते हैं, ठीक है। चलो जी, सफाई वगैरह हो गई है और तकरीबन सारा कुछ साफ हो गया है, कमरा तो मेरा बिल्कुल साफ सुथरा हो गया, कमरा साफ कर लिया है, बाथरूम साफ कर लिया है, झाड़ू लगा सब कर लिया है। और अब जो है वो बात इस तरह से कि मैं दिखा भी देती हूँ, कमरा दिखाया नहीं साफ सुथरा, देखो बाथरूम भी नीट एंड क्लीन हो गया है, ठीक है। एग्जॉस्ट चल रहा है, अभी थोड़ी देर में सूख जाएगा, और देखो ना कमरा भी नीट एंड क्लीन, ये देखे ठीक है। दो बार टाट फेरी है मैंने, और फिर भी ये जो है ना, ये आह ने ना ग्रीन पेंसिल से निशान मार दिए, ये नहीं उतरे दो दफा टाट फेरने के बाद भी, बताओ मैं क्या करूँ। पर आप निकाल दें कपड़े, पहले निकालेंगे अपने कपड़े, फिर अब्दुल्ला ने तो अभी खुद निकाल के देखे हैं, वो क्या निकाल के देते हैं मुझे नहीं पता, फिर आहत के कपड़े निकालते हैं अपने कपड़े। मैं अभी तक सोच ही रही हूँ कि मैं क्या पहनूँ शादी पे। आई थिंक ये वाला ड्रेस पहन लेती हूँ, ठीक है, और देखती हूँ। वैसे तो ये लटका हुआ था, मैंने अपने भाई की शादी पे पहना था, उसकी बारात आज बारात है, बारात की मुनासिबत से यही सूट आई थिंक ठीक रहेगा, यही सूट मैं पहन लेती हूँ। और मैंने अपने भाई की बारात पे पहना था और बारात की मुनासिबत से आई थिंक सही रहेगा, ठीक है यही सूट मैं पहन लेती हूँ। ओ, ओ, ओ ये इसकी कमीज, देखते हैं कि इसको प्रेस करने की जरूरत है या नहीं है। एंड इतना हमारे कपड़ा ही पहनने का दिल नहीं कर रहा, मौसम इतना खराब हो गया है, मौसम कह रही दिन इतना छोटा हो गया, पता ही नहीं चलता, इधर से जोहर की अजान होती है, उधर से असर की हो जाती है, उधर से ईशा की हो जाती है, उधर से मगरिब की हो जाती है। तो अब जो है ऐसे है, मैंने जोहर की नमाज पढ़ ली, क्योंकि ताकि अगर ये ना हो कि मेरे काम करते करते जोहर छूट जाए, असर होने वाली है अभी, ठीक है कुछ अरसे में होने वाली है, कुछ अरसे कुछ टाइम में होने वाली है, फिर असर की नमाज पढ़ेंगे। लेकिन पहले मैं देखती हूँ कपड़े प्रेस होने वाले हैं या नहीं है। तो पंखे बंद हो गए ऑलमोस्ट, पंखे बंद करने के बाद गर्मी नहीं लग रही, वैसे हम चला रहे हैं पंखे लेकिन अभी गर्मी नहीं लग रही पंखा।
करते हैं। ये देखिए ये कमीज कुछ इस तरह से है, ये सूट। दिस इज माई ड्रेस फॉर टुडे। हाँ मैंने अपने भाई की शादी पे पहना था। कैसे लगता अब ये करते हैं प्रेस। और हाँ, मैं जब तक इसको प्रेस कर रही हूँ, आप चैनल को जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो मुझे अब बाद बहुत गुस्सा आने वाला है कि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। चलो जी, कपड़े छपड़े तो मैंने प्रेस कर लिए, थोड़ा बहुत प्रेस की जरूरत थी। ये आहत की शर्ट है, वो जीन्स के साथ इसको पेयर अप करेगा। ये मेरे कपड़े हैं। इस पे ना मैंने अभी देखा कि जब मैंने पहले इसको सूट को पहना था तो इस पे यहाँ पे ना करके मेरे शायद जख्म हुआ हुआ था कोई, या क्या क्या नहीं पता नहीं किस चीज़ का निशान लग गया। मुझे लग रहा है ये लिटिल लिटिल ब्लड है। ठीक है, सो मैं इसको जो है यहाँ से अब कैसे रिमूव करूँ, मुझे लग रहा है मुझे इसे यहाँ से हल्का सा धोना पड़ेगा। ठीक है, धोती हूँ इसको, क्लीन करती हूँ। ये एक नया अजाब ऐसा, जब पता मुझे लगता है शायद मेरे ना यहाँ पे पिन्नी पे या कुछ कोई दाना शाना था तो वो शादी में बर्स्ट हो गया था, मुझे पता नहीं। मैंने अभी इस्त्री करते हुए इसको देखा है। अब इसको क्लीन करूंगी, नमाज पढ़ूंगी एंड देन मैं तैयार होना शुरू हो जाऊंगी। पता नहीं कितने बजे जाए शादी पे जाना, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता शादी पे जाना कितने बजे। अब खाना बिल्कुल कुछ नहीं मैंने आज खाया, आज मैं फुल ऑन पक्का मूड पे हूँ, डाइटिंग मूड पे, क्योंकि रात को मैंने बारबेक्यू खा लिया था और अभी जो है वो लेट नाइट खाया था, और अभी मैं सिर्फ ट्रैक के आके शादी का खाना खाऊंगी। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू होते हैं। और आहत को भी बुला लो, उसने सुबह से डायपर लगाया हुआ है, मेरा ख्याल उसका डायपर शायपर लीक होने वाला है, वो बिल्कुल अंदर नहीं आ रहा। उसको भी जाकर देखती हूँ कि वो किधर है और क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा, और डायपर शायपर उसका। चलो जी, इसने मेरे बेटे ने नहा लिया यहाँ पे, ऐसे बैठ गया है। और मैं इसके कपड़े निकाल लेती हूँ जो इसने अभी पहने हैं, जो शादी में पहनना है वो तो शादी में पहनाऊंगी ना, जाते हुए पहनाऊंगी। अभी इसके कपड़े शपड़े पहना देती हूँ उसको, ताकि ये जो है ना फ्रेश हो गया है, नहा धो लिया है, तो ये मुझे ना तंग करे, क्योंकि इसके बाद मैं जब अपना काम करना शुरू करूंगी यानी मेकअप करना शुरू करूंगी, तैयार होना शुरू करूंगी, तो फिर ये बड़ा तंग करता है मुझे। तो इसका डाइपर शेपर इसको पहना देते हैं, इसको साफ कपड़े पहना देते हैं, दूध दे देते हैं और फिर अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। जी मैं तो हूँ तैयार शादी पे जाने के लिए, और ये है मेरी फाइनल लुक। ठीक है, इस तरह से शलवार और कमीज पहनी है और रेडी हो गई हूँ मैं शादी पे जाने के लिए। आहत भी तैयार है, अब्दुल्ला भी तैयार है, सब भाई मेरा वेट कर रहे हैं। तो लेट्स गो। अब पता नहीं मैं वहां जाके वीडियो बना पाऊंगी कि नहीं बना पाऊंगी, बिकॉज किसी की शादी है और वो बहुत बर्थडे वाले हैं। अगर बना पाई तो मैं कोई ना कोई जरूर ऐड कर, ठीक है, नहीं तो घर आके मिलते हैं। नो नो नो, कम कम इधर से, कम डाउन फ्रॉम दिस स्टेप, गुड बॉय, आ जाओ, आओ इधर, चलिए इधर, चलिए इधर, हाँ ताई मम्मी के पास चले, ताई मम्मी के पास, कम, डैड इज देयर। किसकी है, दादी जान की है ये? आहट बेबी, नो ऐसे नहीं करो, चलो चलो, ओ वो देखो कौन है आहत, वो देखो, लुक एट दिस, कल भी डायनेस्टी है उधर वाला। आहत बेबी 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 बेबी, मम्मा को गुस्सा आ रहा है, मैंगरी आप उस लड़की को क्यों छेड़ रहे थे, पता है उसके डैडी ने आपको मारना। रैबिट दिखाओ, रैबिट, वाह रैबिट जी। फाइनली 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 हम घर आ गए, और
बाल भी खराब हो गए हैं, सब कुछ खराब शराब हो गया, हुलिया खराब हो गया, और मेरे पैर इतने दर्द हो रहे हैं ना। हील वाला जूता पहनना भी एक टास्क है, काम है। ये देखिए, आ जाओ। हाय, मैं थक गई, सूज सूज गई है। हील वाली जूती पहनना भी अजाब है। यार अब्दुल्ला आहद ने मेरे सारे कपड़ों की मोती उतार दी है। एक इधर से उतरा है, तीन इधर से उतरे हैं। आप मेरी बात सुने, इधर इसका नेस्ले बुनियाद भी आएगा, खुला दूध भी आएगा। चलें जी, फाइनली मैंने कपड़े शपड़े चेंज कर लिए, मैं अपनी हालत पे आ गई हूँ। जो मैं नहा के चेंज किए थे, मेकअप अभी नहीं उतारा। मेकअप पता नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा आज उतारने का, क्योंकि मैंने बड़े दिनों बाद आज मेकअप किया है, और इस तरह का मतलब शादियों वाला मेकअप किया है। वीडियो वहीं पे एंड करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट इन द बिलो सेक्शन। और जिनकी शादी पे हम गए थे, वहाँ पे ज़रा हम इतनी वीडियो शीडियो नहीं बना सकते थे, बिकॉज वो थोड़े से ज़रा मजहबी वगैरह थे। तो लेकिन अब्दुल्ला ने थोड़े बहुत शॉर्ट्स बनवाए हैं, आहत की वीडियो थोड़ी सी बनाई है, तो बस वो मैं क्लिप ऐड कर दूंगी साथ। मुझे मेरे बेटे को, मेरी फैमिली को दुआ में याद रखना है, अपना अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।